हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक देखने वाले हैं जिससे रेशियो के इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, पूरा रेशियो नहीं है, रेशियो के एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम एमसीक्यू अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू में बस आंसर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। लाइक ए एंड बी आर टू नंबर्स इन द रेशियो, जब दिया हुआ हो 4:5 में, कोई भी रेशियो में दिया हुआ हो, और 81 दिया है उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर दिया है और रेशियो दिया है। ये वाला जो अभी यूज कर रहे हैं उसमें रेशियो का डिफरेंस 1 होगा, ठीक है, तो यूज करेंगे। डिफरेंस कुछ और होगा उसके लिए आगे बताएंगे। तो यहाँ क्या करना है कि 81 जो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, अब भाई इन दोनों का एडिशन देख लो कितना है, 9। सम कर लिया 9। अब स्क्वायर था, नंबर्स पे जाना है तो रूट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 9, 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3। अब इसी 3 से यहां मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया कितना 12। तो ए का वैल्यू हो गया 12, और अगर बी भी पूछा होता तो इसी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, आ जाता 15, ठीक है ना। अभी देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ए एंड बी आर टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 6:7। फिर वही दोनों को ऐड करेंगे, कितना हुआ 13। 52 को 13 से डिवीजन और रूट ले लेना, ये 4 है, 4 का रूट 2 हो गया, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई किया 12, और 2 से यहाँ तो 14। समझ में आ रहा है, एकदम आसानी से बनने वाला है, पेन उठाना चलाना तुरंत बनेगा, तुरंत आंसर आएगा। अब जो सेम टाइप है इस क्वेश्चन का, ए एंड बी आर द टू नंबर्स इन द रेशियो 3:4, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 112, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। अब वो क्वेश्चन जिनका डिफरेंस जो है वो 1 नहीं हो रेशियो का, रेशियो का डिफरेंस अगर 1 नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तो ये 2:7 है ना, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 720, तो 720 लिखेंगे ही, और यहाँ पर इन दोनों का समेशन तो था ही, जो वो तो डालेंगे ही। अब एक नया चीज डालना होगा, तो डिफरेंस नहीं मतलब कुछ है, डिफरेंस 1 से अलग है, तो ये 7 और 2 कितना 5, ये डिफरेंस भी आएगा डिवीजन में। पहले नहीं आ रहा था क्योंकि वो डिफरेंस 1 था, डिवीजन बाई 1 था, कोई मतलब है नहीं तो जाना ही नहीं है। तो डिफरेंस अगर 1 हो तो डिवीजन नहीं करना है कुछ अलग से डिफरेंस के लिए, और अगर डिफरेंस है तो उसको भी डिवाइड कर लो। और अब देखो 9 से ये 80 टाइम्स, 5 से ये 16 टाइम्स, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। अब यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर होगा 8, 4 को ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर होगा 28। ए पूछा है तो 8, बी पूछा होता तो 28। एक और देख लेते हैं, ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:11, और 360 है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो 9 और 11 का समेशन कितना हुआ 20, और डिफरेंस क्या हुआ 2, स्क्वायर रूट है 20 से ये किया डिवीजन, कितने टाइम्स हो जाएगा ये 2 से ये 18, ठीक है ना, 18 टाइम्स हो गया, और यहाँ ये किया तो ये 9 हो गया। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 टाइम्स, और 2 से ये 9 टाइम्स। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो ये 3 आ जाएगा, यानी ये नंबर क्या हो गया 27। अगर बी पूछा होता तो 33। बहुत बार ऐसा भी कर सकता है कि ए प्लस बी पूछ दे, तो क्या करो इन दोनों को ऐड करके इन 3, इस 3 से मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है ए माइनस बी पूछ दे इतना के बाद, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 2, और 2 से ही इस 3 को मल्टीप्लाई करो, कि दोनों से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करो या डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिक अलजेब्रा है, बेसिक अलजेब्रा वाला भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहता, अगर दिक्कत हो तो वो देख सकते हो, ठीक है। आज इस ट्रिक वाले वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और भी अदर ट्रिक्स वाले वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, और इसका आंसर कमेंट में बताओ। चलो थैंक यू।